बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है। इस बीच बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के झंडे को आधा छुआ दिया गया है। थोड़ी देर में सुषमा स्वराज का शव बीजेपी मुख्यालय पर लाया जाएगा। यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता सुषमा को अंतिम दर्शन देंगे। इसके बाद सुषमा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुषमा स्वराज के अकस्मात निधन से देश स्तब्ध है। सुषमा स्वराज भारत की सियासत की दमदार आवाज़ थी। वे न सिर्फ एक सशक्त महिला नेत्री थी बल्कि राजनीतिक जीवन में भी एक सशक्त हस्ताक्षर थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जाहिर की है। सुषमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह ने कहा है कि उनके निधन से भारत की राजनीति को गहरी क्षति पहुंची है। बता दें, मंगलवार देर रात सुषमा को हार्ट अटैक आया। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर रात करीब 11 बजे के आसपास सुषमा स्वराज का निधन हो गया।